Hello everyone, this is Shubham Dabir. I'm BTech in Electronics and Telecom from NIT Raipur and currently I'm working in NTPC. हो सकता है आप में से कुछ लोग मुझे पहले से जानते हो क्योंकि मैं कोरा पे भी लिखता हूँ, फेसबुक पे भी लिखता हूँ और मेरा कुछ यूट्यूब पे पहले से वीडियोस हैं जो लोगों को काफ़ी पसंद आए थे। सिंस ये मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि आपको आपके साथ में शेयर करूँ कि मैंने क्यों ये चैनल चालू करने के बारे में सोचा। और अभी तक मेरे जितने भी वीडियोस थे यूट्यूब पे और जितना भी कंटेंट था इंटरनेट पे वो पूरा गेट रिलेटेड था, तो इस बार मैं और भी एरियाज़ में एक्सपेंड करना चाहता हूँ जिसमें मुझे लगता है कि मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ, जिसमें मेरा एक्सपीरियंस हेल्प कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसा बोला जाता है कि ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल। इसका मतलब यह है कि हम हमेशा आसपास के अपने लोगों से कंटिन्यूसली इन्फ्लुएंस होते हैं। कई बार इन्फ्लुएंस बहुत छोटा होता है, कई बार लाइफ चेंजिंग होता है, कई बार ये सबकॉन्शियस होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और कई बार कॉन्शियसली आपको पता चलेगा कि हाँ डिफरेंस आया है कुछ। तो मैंने कोरा में एक आंसर लिखा था अपने स्ट्रगल के बारे में कि मुझे सक्सेस नहीं मिली थी, मैं बहुत सारी कंपनीज के रिटर्न एग्ज़ाम्स में रिजेक्ट हो गया था, बहुत सारे कंपनीज़ में इंटरव्यू में पहुंच के रिजेक्ट हो गया था, ड्रॉप लेना पड़ा था, जॉब नहीं था मेरे पास, फिर फाइनली मैंने सक्सेस हासिल की। एटलीस्ट जो मैं एम परसू कर रहा था वो मुझे मिला। तो इस आंसर पे काफ़ी कमेंट्स आए थे पर पर्टिकुलरली एक कमेंट है जिसने मेरी भी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। एक लड़का था जो अपनी लाइफ एंड करने जाने वाला था क्योंकि वो मानता था कि वो सक्सेस हासिल ही नहीं कर पा रहा है, बहुत कोशिश करता था पर फेल होते जा रहा था लगातार। तो मेरी भी जो स्टोरी थी उसने पढ़ी और उसे लगा कि हाँ हो सकता है, टाइम लगता है सक्सेस में। तो ये भी सबकॉन्शियसली हुआ, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तब मुझे फील हुआ कि हाँ मैं भी किसी के लाइफ में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि ये चैनल चालू करना चाहिए। तो इस चैनल को मैं 4 पार्ट में रखूँगा। तो इस चैनल का सबसे पहला पार्ट रहेगा गेट। गेट मतलब जब मैं बोल रहा हूँ तो ऐसे नहीं कि सिर्फ एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में, पर जो भी डिस्कशन होगा वो काफ़ी जेनरिक रहेगा। इसका मतलब कि अगर कोई बंदा दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसे भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इससे। और मैं गेट से चालू इसलिए करना चाहता था क्योंकि मेरा सबसे कंफर्टेबल टॉपिक है। मैंने 2 साल गेट की कोचिंग भी ली है और उसके बाद 1 साल ड्रॉप लेके वहीं पे जॉब भी किया। तो जब मैं जॉब करता था तो काफ़ी बच्चे आते हैं डाउट पूछने के लिए। मेरी एक अच्छी ये बात है ना कि मैं दूसरों की गलतियों से भी काफ़ी सीखता हूँ। तो उस फेज़ में मैंने काफ़ी सीखा, काफ़ी इम्प्रूव किया और फाइनली अगले साल गेट में, गेट 17 में मेरा बहुत अच्छा रैंक आया। फिर जैसे मैंने बताया कि YouTube पे वीडियोस भी हैं, उस पर भी काफ़ी कमेंट्स हैं लोगों के और Facebook पे अभी भी लोग काफ़ी मैसेज करते हैं गाइडेंस के लिए। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें लोगों से सीख सीख के मैंने, इसलिए मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा और मैं हेल्प कर सकता लोगों की। तो सबसे पहले मैं चालू करूँगा गेट 19 से क्योंकि अभी जो गेट 19 में अपीयर होने वाले लोग उनके पास काफ़ी कम टाइम बचा है। तो मैं चाहता हूँ कि जितना भी टाइम बचा है वो उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज करके ज़्यादा अच्छा कर सके गेट में। प्लस मैं बीच बीच में यूट्यूब पे लाइव सेशंस भी करूँगा ताकि डायरेक्ट इंटरेक्शन हो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे, क्योंकि मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा लोगों के लिए। और चैनल का जो दूसरा पार्ट रहेगा वो रहेगा करियर गाइडेंस रिलेटेड। हमें बचपन में हमने जिग्सो पजल सॉल्व किया होगा, उसमें क्या होता है कि हर एक जो पीस है उसकी एक डेफिनेट जगह होती है ताकि फिट हो जाए, तभी वो पज़ल कंप्लीट होता है। और बचपन से हमें ये भी सिखाया जाता है कि एवरी पर्सन इज़ यूनिक, एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट। सो उसी पज़ल टाइप मुझे ये फील होता है कि ना हर किसी की एक अपनी जगह है जहाँ वो फिट बैठेगा, जहाँ वो अपना काम जो भी है उसे इंजॉय करेगा। मैंने काफ़ी लोग देखे हैं जो जॉब में हैं पर वो खुश नहीं है अपने जॉब से, काफ़ी रीज़न्स होते हैं उसके पीछे। जैसे एक रीज़न होता है फाइनेंशियल कंडीशन, कुछ लोग होते हैं जो लेस प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं, पैसे का बहुत ज़रूरत रहता है घर में, या कई बार ऐसी इमरजेंसीज आ जाती कि
घर में हाँ पैसा भेजना है, फैमिली को सप्लाई करना है प्रॉपरली, तो उसके कारण हम ऐसा जॉब ऑप्ट कर लेते हैं जो इजीली मिल रहा है, और ना कि उस जॉब में जाते कि जिसके लिए हम सूटेबल है, जिसमें हमें मज़ा है। एक और रीज़न जो मैंने ऑब्जर्व किया है सोसाइटी, हम घर में ना कोई भी खाली नहीं बैठना चाहता, कि ऐसा नहीं कि वेट करो अच्छे जॉब के लिए, बस जो भी मिल रहा है ना वो ले लो, क्योंकि लोग बातें करते हैं ना ऐसा कि डिग्री मिल गया है तो भी घर में बैठा है, बहुत एम्बेरसमेंट फील होता है, ऐसा लगेगा कि आप एकदम बोझ बने हुए हो, खुद पे भी अपनी फैमिली पे भी, सोसाइटी ऐसी फील कराती है हमेशा। एक वो बड़ा रीज़न होता है, और एक रीज़न एक और मैंने जो देखा है कि होता है लैक ऑफ नॉलेज, मतलब कई बार लोगों को यही नहीं पता रहता कि इतने सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, कौन कौन से करियर फील्ड हो सकते हैं जहाँ आप अपना इंटरेस्ट परस्यू कर सकते हैं। लोग ऐसा करते हैं कि जो आपके दूर के चाचा, गांव वाले चाचा ने बताया होगा कि ये काम अच्छा है कर ले, तो लोग उसमें भी चले जाते हैं। और अच्छी बात यह है कि मेरा जो 24 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रहा लाइफ में, उसमें मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए हैं, और कुछ लोग उनमें से जैसे मेरे जैसे पब्लिक सेक्टर में हैं, कुछ लोग अभी आगे पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग एमटेक कर रहे हैं, कुछ लोग एमएस कर रहे हैं, कुछ लोग इवन डॉक्टरेट करने वाले हैं, कुछ लोग बैंक में काम कर रहे हैं, कुछ लोगों ने एमबीए किया है, कुछ आईटी सेक्टर में है, कुछ डिफेंस में है। तो मेरा आइडिया ये है कि जितने भी लोग हैं सबका अलग एक्सपीरियंस रहा है, हर किसी की अपनी एक स्टोरी रही बताने के लिए, तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने जॉब के बारे में। तो आइडिया मेरा ये है कि जो भी मेरे पहचान के हैं या जो भी लोग हैं जो जॉब्स में हैं डिफरेंट, उन्हें अपॉर्चुनिटी देने का कि वो वीडियो बनाए, और ताकि जो आगे आने वाली जनरेशन है उन्हें फ़ायदा मिले इस चीज़ का। मैंने एक और चीज़ ये ऑब्जर्व की है कि अगर आप अपने काम को प्यार नहीं करते ना, तो आप खुश नहीं रह पाएंगे अपनी करियर में। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जिन्हें बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा था, बहुत अच्छी सैलरी मिली थी, पर वो खुश नहीं थे अपने काम से, तो उन्होंने काम छोड़ दिया। पर वो जो उनके फेस पे सेटिस्फेक्शन है जब वो काम परस्यू कर रहे हैं जो उन्हें अच्छा लगता था, वो डेफिनेटली बहुत अलग है। तो ये जो प्रोजेक्ट है काफ़ी बड़ा चलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे जॉब्स है, बहुत सारे जॉब्स, जितने मैंने अभी बताया वो तो सिर्फ मेन स्ट्रीम है, उसके अलावा भी कितने सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। मैं कोशिश करूँगा कि सब जगह से लोग मिले, आप भी सजेस्ट कीजिएगा कोई अगर है जो अलग काफ़ी डिफरेंट जॉब में है, ताकि आगे आने वाली जनरेशन को इसका फ़ायदा हो। जो तीसरा पार्ट है इस चैनल का वो रहेगा लाइफ फिलोसफी से रिलेटेड। मैं बचपन से अलग था, जैसे मैंने बताया कि सभी अलग होते हैं, पर मेरा थॉट प्रोसेस काफ़ी अलग था अपने एज के लोगों से। तो मुझे लोग बहुत चिढ़ाते थे, मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत लिमिटेड था, जो मेरे कजिन्स थे वो भी बोलते थे कैसी कैसी बात करता है, चाचा के नाम से बुलाते थे, बाल तो वैसे सफ़ेद थे ही। तो इससे क्या हुआ कि ना, पहले तो बहुत रेबेलियस था मैं, कि झगड़ा हो जाता था हर चीज़ पे, फिर मैं धीरे धीरे एक्सप्रेस करना ही बंद कर दिया खुद को, और उस एक्सप्रेस करने के बजाय, लोगों को एक्सप्रेस करने के बजाय, मैं अपने डायरी में लिखने लग गया अपने लाइफ के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में। फिर फाइनली जब मैंने जो बताया कि गेट में वीडियो की अपॉर्चुनिटी मिली, उसमें मैंने फ़िलोसफी अपने सामने रखी जो कुछ लोगों को काफ़ी पसंद आई, तो फाइनली जब मुझे एक्सेप्टेंस मिला तो लगा कि हाँ मैं फिर से डिफरेंस क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे मैंने जो उस लड़के की लाइफ के बारे में बताया। और जो चौथा पार्ट रहेगा इस चैनल का वो रहेगा मिसलेनियस, मतलब मुझे खुद भी नहीं पता कि उसमें क्या क्या वीडियोस डालूंगा मैं, पर ये डेफिनेटली वीडियोस आएंगे और इन तीन टॉपिक से हट के ही रहेंगे। और ख़त्म करने के पहले मैं आपको एक लाइफ की रियलिटी बताना चाहता हूँ कि ना, आपकी लाइफ का चेंज करने का पावर ना सिर्फ आपके पास है। मैंने जितने बार भी अभी बोला कि लोगों की लाइफ को इफेक्ट करना, इफेक्ट करना, तो बाकी लोग सिर्फ टूल होते हैं जो आपकी लाइफ को थोड़ा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, पर कुछ आपकी लाइफ में चेंज लाना है तो वो आप खुद आप ही ला सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि आपके सामने नूडल्स रखा है और फोर्क रखा है, तो अगर आपको मन नहीं है ना तो आप नूडल्स खाएंगे ही नहीं, चाहे फोर्क भी हो। और अगर आपके पास फोर्क नहीं भी है और नूडल्स गर्म है और आपका मन है कि नूडल्स खाना है, तो भी आप खा लेंगे। इसका मतलब ये कि फुल पावर आपके पास है, अगर कोई इन्फ्लुएंस नहीं भी कर रहा, पर ये आपकी चॉइस है कि आप चेंज करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली कर लोगे। और जनरली लोग जब वीडियो एंड करते हैं तो हर कोई बोलता है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, ऐसा ऐसा, तो मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि मैं कभी किसी वीडियो में नहीं बोलूँगा कि लाइक और सब्सक्राइब, ये टोटली आपकी चॉइस रहेगी, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप ज़रूर कीजिएगा।
और पर मैं ये अप्रिशिएट करूँगा कि अगर आप कमेंट करेंगे, क्योंकि मैं अभी फर्स्ट जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इस चैनल को, तो काफ़ी फीडबैक चाहिए कि क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है या क्या आपको अच्छा लगा या बुरा लगा। तो कुछ वीडियोस डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि इतने वर्थ रहेंगे कि आप, मैं फोर्स करूँगा आपको बोलने, फोर्सफुली बोलूँगा आपको कि आप शेयर कीजिए उसे, नहीं तो मैं इस चीज़ में कभी ये बिलीव नहीं करता कि किसी को बायस करो, किसी के थॉट्स बायस करो। सो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।